जबलपुर की शासकीय प्राथमिक बालक शाला में पदस्थ एक बीएलओ को लोकायुक्त पुलिस रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीएलओ ने वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए 3,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। वही शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाकर बीएलओ से को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जिसका जायजा लिया हमारे साथी फतेह सिंह। प्रदेश चुनाव को लेकर जो अपराधी हैं वो तो अपने कारनामों को अंजाम दे ही रहे हैं, इसके साथ ही जो वोटर आईडी कार्ड है उसे बनाने के लिए भी यहां पर रिश्वत ली जा रही है। इसकी वानगी यहां जबलपुर में देखी जा रही है, जहां पर जो लोकायुक्त की पुलिस है उन्होंने 2,500 की रिश्वत लेते हुए एक बीएलओ को यहां पर गिरफ्तार किया है। और ये जो पूरी लोकायुक्त की टीम है ये अभी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और इसके साथ ही हमारे साथ जो यहां के लोकायुक्त अधिकारी हैं सुरेखा परमार जी, वो मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। मैडम, एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने यहाँ अंजाम दी, क्या कुछ मामला था? ये अहफाज खान प्रार्थी था, जिसने अपनी वोटर आईडी बनाने के लिए बीएलओ वैशाली राम कोल से संपर्क किया था और उस संबंध में उन्होंने अपने प्रपत्र भी दिए थे, लेकिन उसको वोटर आईडी को बनाने के लिए इनके द्वारा 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई और आज 2,500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जो प्रार्थी हैं वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और किस प्रकार ये, क्या मंशा थी इनकी ये रिश्वत लेने? भाई साहब, मंशा तो आशय गलत ही था, वो इसलिए क्यों, क्योंकि इस बात को तो कभी सही कहा नहीं जा सकता। वोटर आईडी बनाने का आपका काम था, इनके पास बीएलओ का भी चार्ज था, तो उसी कार्य के तहत इन्होंने डिमांड की थी और आज लेते हुए पकड़े गए। बिल्कुल, ये थी सुरेखा परमार, इनका साफ कहना है कि जो ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये गलत मंशा के आधार पर की गई है, क्योंकि ये पूरा शासकीय कार्य होता है और जो वोटर आईडी है ये विधानसभा चुनाव में काफ़ी कारगर साबित होती है। इसके लिए इन्होंने 3,000 रुपये की यहाँ पर डिमांड की थी और 2,500 रुपये लेते हुए इन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।